एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये हम आज व्रत के लिए समक के चावल बना रहे हैं। ये चावल देखिए कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत बारीक होते हैं और इनको हमने आधा कप लिया है। मैं बहुत कम मात्रा में बना रही हूँ और मैंने डबल पानी में इसको सोक कर लिया है। उसमें मैंने कुछ, मेरे पास आज फ्रेश मटर नहीं थे तो मैंने फ्रोजन मटर डाले हैं। ये आप सोचिए कि 1/4 कप होंगे, आप कम ज्यादा कर सकते हैं या कोई और सब्जी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, एक उबला आलू हमने ले लिया है, एक हरी मिर्च काट ली है, आधा चम्मच जीरा ले लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून आप मूंगफली ले सकते हैं, कच्ची मूंगफली, और सेंधा नमक हमने लिया है आप देखिए, और 1 चम्मच देसी घी हम पैन में डाल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। अब ये मूंगफली के दाने हम डालेंगे। ये पहले से भी आप रोस्ट करके रख सकते हैं और इसको बिल्कुल धीमी गैस करके रोस्ट करेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें उबला हुआ आलू, नमक स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत यमी ये चावल लगते हैं और बहुत आसान है बनाने। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको रोस्ट किया और अब हम एक बार ढक देंगे इसको, और मूंगफली भी हमने अच्छे से भून ली है। ये देखिए इस तरह से ये 1-2 मिनट के लिए ही रोस्ट हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी और ये चावल। ये देखिए, हमने ना चावल को 1 से 1.5 घंटा भीगा रहने दिया, क्योंकि वैसे आप आधा घंटा भीगने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं किसी वजह से बनाने में लेट हो गई। तो ये मैंने डबल पानी लिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च, और यहां एक बार थोड़ा सा नमक और डालेंगे और चलाकर हम इसको ना टेस्ट करके देख लेंगे। इसी समय आप देख लें, थोड़ा सा नमक पानी में हल्का सा तेज हो और वो आपको परफेक्ट रहेगा। तो यानी 1 चम्मच देसी घी हमने लिया है और ये हमने सारा सामान आपके सामने डाल दिया है। नमक हमें थोड़ा कम लगा तो हमने और डाल दिया है। सेंधा नमक हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये व्रत के चावल हैं। अब हम इसको जैसे ही उबाल आ रहा है हम इसको कवर करके पकाएंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। नॉन स्टिक में बनाएंगे ना तो ये लगेगा नहीं, तो आप इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा। तो चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, पानी जो है वो लगभग सूख गया है। इस तरह से ना हम एक बार इसको चला लेंगे, पूरे राइस जो हैं उनको हम ऐसे चला लेंगे। आप देखिए कहीं भी नहीं लगा और कितना खिला खिला ये राइस बना है, और आराम से ये हट जाता है क्योंकि नॉनस्टिक है ना। और ये देखिए, अब हमारे राइस जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ये राइस बने हैं। गैस को करते हैं बंद और इनकी करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए, गर्मा गर्म हमारे ये राइस जो है बनकर तैयार हैं, खिले खिले बने हैं। और हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मटर नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप कर सकते हैं, केवल आप पीनट मूंगफली या आलू से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।